एक हमारे और नए डायमंड हैं, शायद हमारे साथ जुड़ गए होंगे, मैं उनको कॉल करना चाहूंगा। और उनको कॉल करते हुए एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैंने असली पे वेलनेस की शुरुआत की थी उसके तकरीबन 6-7 महीने बाद मैं बनारस में गया था, और अविनाश जी को याद है या नहीं याद है मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात के तकरीबन 2:30 बजे से, रात के 2:30 बजे तक हम सारे लोग एक हॉल के अंदर मीटिंग कर रहे थे। रात के 2:30 बजे अविनाश जी और अंकुर जी दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और अविनाश जी ने खड़े होकर एक बात बोली थी, बोला सर हम तो दोनों भाइयों ने अपना करियर इस इंडस्ट्री में लगा दिया, क्या आपको लगता है कि हम लोग कामयाब हो पाएंगे? अगर आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगे और हमारे चेक आएंगे जैसा प्लान भी दिखाया जाता है बड़े बड़े, तो ही हमें ज्वाइन कराना, अदरवाइज हमारी जिंदगी खराब मत करना। अविनाश जी वो दिन मुझे याद है कि उस दिन रात इतनी ज्यादा हो गई थी कि ना आपने खाना खाया था, ना हमारे साथ में शिव कुमार सर, अमित दुबे जी थे उन्होंने खाना खाया था, ना मैंने खाया था क्योंकि मिला नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं एक बार फिर कॉल करता हूँ हमारे नए और यंग डायमंड मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता जी को, प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुरुजी हमें बोलने का 2 मिनट का मौका दिया इस बड़े सेमिनार के अंदर। और गुरुजी थोड़ा सा मैं अपने बारे में लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता और पढ़ाई में BHU यूनिवर्सिटी बनारस समय कर रहा था, और पढ़ाई के दौरान इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने एक और भी संस्था में कुछ समय काम किया है जहाँ पे सपने बहुत दिखाए गए थे, लेकिन लगभग 3-3.5 साल देने के बाद भी वहां पे वो चीजें पूरी नहीं हो रही थी। और उस इंडस्ट्री में जब MLM इंडस्ट्री में आया था तो मैंने लगभग 1.5 साल पार्ट टाइम के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कोचिंग PMT बैच को पढ़ा रहा था, मैंने उसको ड्रॉप कर दी, एक अच्छी खासी इनकम आ रही थी मैंने उसको भी छोड़ दी। उसके अलावा BHU से मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MSc कर रहा था तब मैंने उसको भी बीच में ड्रॉप कर दिया, और पूरी शिद्दत पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ MLM इंडस्ट्री में कूद गया था मैं। और करने के बाद ठीक है, पूरी मेहनत करने के बाद भी होते ना कि बहुत ही निराशा लाइफ में आ चुकी थी, लग नहीं रहा था कि कुछ बड़ा हो पाएगा। और उसी समय लगभग 3.5 साल हमारे इस इंडस्ट्री में हो चुके थे, तो कहते हैं कि एक भगवान के फरिश्ते की तरह हमारे बीच में मिस्टर महिपाल सर आए थे उस समय बनारस में, जो सर ने भी बताया, और मैं और अंकुर जी बनारस पहुंचे हुए थे। और उस समय हमारे जो ग्रेट गुरु हैं मिस्टर शिव कुमार सर, जिनके मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि गुरु जी ने हमें उस ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाया था, और हमारे मेंटर जो हमारे आइडियल है मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, सर का लाख लाख धन्यवाद, इसके वजह से मैं यहां खड़ा हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अचीवमेंट तो बहुत आई, अचीवमेंट आज गुरु जी ने जो बताई थी कहीं उससे हमने ज्यादा कमाया, और मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जब स्केलेबिलिटी वेलनेस का हमने प्लान देखा तो हमें एक ऐसी उम्मीद लगी कि यार मतलब ये गजब का चीज है जहां से लाइफ बदल सकती है। ठीक है, यहाँ की चीजों को देख के, और बाकी महिपाल सर को तो मैं शुरू से सुन रहा था, गुरु जी को जान रहा था, गुरु जी सबके आइडियल थे। आज तक ऐसा कोई भी MLM इंडस्ट्री में काम करने वाला नहीं होगा जहां महिपाल सर का नाम लिया जाए बंदा ना जानता हो। तो जब इस चीजों को देखा, देखने के बाद ऐसा नहीं स्क्लेपियस मैंने काम शुरू किया, और शुरू करने के बाद 3.5 साल बाद भी जब मैंने काम शुरू किया तो शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। लगभग 8 महीने मेरा और संघर्ष चला, 8 महीने में इसी स्क्लेपियस वेलनेस में, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, इसी स्क्लेपियस वेलनेस में अविनाश कुमार गुप्ता 8 महीने मात्र सिल्वर बना था इसी स्क्लेपियस वेलनेस में। और 8 महीना कड़ी मेहनत के बाद भी मैं कई बार ऐसे हताश हुआ, तो लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे 2 मेंटर का, मिस्टर शिव कुमार सर जो कि मदद करने के लिए हमारे साथ कोसाम्बी तक आए हुए थे सर ने फॉलोअप करने के लिए, और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मिस्टर अमित कुमार दुबे सर का, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आई इस लगभग 3-3.5 साल के दौर में, जब शुरुआती दौर में था तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन अमित दुबे सर को मैं कई बार फोन करके रोया, परेशान हुआ कि सर लग रहा है कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ बड़ा चल नहीं रहा है, लेकिन गुरु जी ने मुझे सहारा दिया, बार बार मुझे संतावना दी। और सभी मेंटर जितने भी हमारे हैं, चाहे आदि सर हो, ज्ञानेन्द्र सर हो, विकास सर हो, अमित सर है, शिव कुमार सर है, महिपाल सर है, इन सभी गुरु जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ सर लोग के आशीर्वाद और ठीक है और गाइडलाइन से हूँ। और कई बार मैं इस इंडस्ट्री में परेशान हुआ, कई बार ऐसा लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा है, और मैं रियल बताता हूँ कि यहाँ पे एक गुरु और एक आइडियल चुनने की जरूरत है, मैंने एक आइडियल बनाया मिस्टर अमित कुमार दुबे सर को अपना गुरु के रूप में, मिस्टर शिव कुमार सर को मान के हर चीज का डिस्कशन किया, और इसी की बदौलत इस सप्ताह मेरा जो लॉकडाउन चल रहा था, तो पूरे लॉकडाउन जो 2 महीने चला दोस्तों, 2 महीने के लॉकडाउन में जो मेरी टोटल इनकम रही वो मैं अगर बताऊं तो लगभग मैंने 2 महीने के अंदर 16 लाख रुपए से ज्यादा, अप्रॉक्स 17 लाख रुपए मैंने कमाए।
और दूसरी बात क्या है कि पिछले वीक का जो मेरा चेक था वो 13 लाख से ज्यादा का था, और मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे कभी यकीन नहीं था कि यहां तक हम आएंगे। मैंने पहली कार ली गुरुजी का आशीर्वाद से 2018 में, वो थी बेलेनो टॉप मॉडल, और पहली कार ली थी। और दूसरी कार जो मैं लिया हूँ या जो मेरी डिलीवरी होने वाली है, मर्सिडीज सी क्लास प्रोग्रेसिव 3, जो लगभग 60 लाख की गाड़ी है। और मैं इस सब का श्रेय सिर्फ अपने अप्लायंस जो मेरे हमारे मेंटर मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, ठीक है, मिस्टर शिव कुमार सर और मिस्टर महिपाल सर, क्योंकि महिपाल सर नहीं होते तो शायद हम स्क्लेपियस में नहीं होते, और अगर दुबे सर और शिव कुमार सर नहीं होते तो शायद हम इतने शुरू के 8 महीने जो हमारे संघर्ष चले स्क्लेपियस में आने के बाद भी, तो शायद हम नहीं टिक पाते। और बस इन्हीं चीजों के ऊपर, और बहुत अच्छे जितने भी हमारे डाउनलाइन थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी, संजय कुशवाहा जी और अदर सभी टोपाज ने, उन सभी का मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। क्योंकि आज जितने लोग हमारे साथ हैं, अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। और लास्ट में बात जरूर बोलूंगा कि जितने लोगों ने मेरे साथ करियर लगाया है दोस्तों, उनके लिए एक ही मैसेज है कि अगर कभी भी आपको लगे कि अब मुझे बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है या मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल परेशान न होइएगा, मैं खड़ा हूं दोस्त। मेरे को भी ऐसा कई बार लगा कि बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं होने वाला, मैं कई बार हताश हुआ, कई बार निराश हुआ, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे अमित सर को, सुकुमार सर को, जिन्होंने मतलब आके मुझे समझाया। यहाँ तक जब मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए, मेरे पिताजी मेरे विरोध में हो गए, तो शिव कुमार सर मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा को बैठ के समझाया कि आप बच्चे को साल भर मेरे कहने पे समय दीजिए और ये साल भर में लाइफ चेंज होगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा शिव कुमार सर का, वो दिन मैं नहीं भूलता, क्योंकि आज अगर पेरेंट को मेरे बोल के शिव कुमार सर मेरे घर बैठ के अगर ये बात नहीं किए होते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। और जब भी जरूरत पड़ी और गुरु जी को मैंने महिपाल सर को फोन किया किसी भी चीज के लिए, और मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा महिपाल सर कि बहुत सारे लीडरों को हमने देखा, लेकिन जब लोग अचीवमेंट ले लेते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन महिपाल सर जैसा आज तक मैं लीडर नहीं देखा। मतलब एमएलएम इंडस्ट्री में किंग अगर सर को बोला जाए, भगवान बोला जाए, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज भी अगर एक कॉल जाता है तो गुरु जी का एक कॉल में रिसीव होता है और गुरु जी हमारी समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत सॉल्व करते हैं। और मैं सभी मेंटर का, सभी अपने सपोर्ट देने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शायद वो है तो आज हम हैं, और सबकी ग्रोथ के लिए जी जान लगा देंगे चाहे जो करना पड़े। आज भी दोस्तों किसी भी जगह पे आज भी कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पूरी रात के लिए आज मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और आप लोग से वादा है, जितने लोगों ने मेरे साथ करियर लगाया है, एक का करियर भी किसी भी कारणवश खराब नहीं होने दिया जाएगा, दिन रात मेहनत की जाएगी। जैसे हमारे आइडियल ने हमें यहां तक लाया है, उसी तरह इन्हीं के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है वो आपके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और आपको सक्सेस करेंगे। और लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज जो टोटल इनकम है मेरे पास वो लगभग 70 लाख रुपए की इनकम मैंने कमाई। और जहां तक बात करें तो जहां तक हम चाहते थे देश विदेश सब कुछ हमने घूमा, लेकिन इस सब का श्रेय सिर्फ हमारे अपलाइन और हमारे सपोर्ट करने वाले डाउनलाइन को जाता है, क्योंकि वही है तब हम है। और बस एक ही मैं लास्ट में बोलूंगा कि आप कभी भी परेशान मत होइएगा, एमएलएम इंडस्ट्री सर एक समय लेती है, लेकिन समय जिससे लेती है दोस्तों उसको बहुत कुछ सिखा के जाती है, और उसी की वजह से जब कुछ सिखा के जाती है तो ऊपर वाले पे जरूर भरोसा रखिएगा। अगर ऊपर वाले आपको समय ले रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जब देगा दोस्त ना वो कुछ सिखाना चाहता है आपको, वो कुछ बताना चाहता है आपको, वो संघर्ष के पल आपको देना चाहता है कि कल अगर कोई आपका बंदा अगर परेशान हो तो उसे आप बता सके, समझा सके और अपने भी बेहतर लेवल पर उसे पहुंचा सके। और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ, गुरु जी ने मुझे 2 मिनट का समय दिया, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हम सबके एडवांस में आपको बधाई कि आप जल्दी से जल्दी ब्लू डायमंड बने और हमारे सामने एक बार फिर आए। और मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं आपकी मर्सिडीज के अंदर राइड करूं।